सब अब सारे बच्चे आएंगे तो शुरू कर देंगे कहानी। हाँ आओ पलटू, कहाँ है वीर, कहाँ रह गया वो? आया तो मेरे साथ था, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे तो फिर अब क्या करे, शुरू करे कहानी? नहीं नहीं दादाजी, वीर के बिना कहानी सुनाओगे तो फिर से सुनवाएगा। हाँ पता है कहेगा दादाजी फिर से कहानी शुरू कर। वीर हाजिर है। आइए मेरे राजकुमार, आइए विराजिए और हमें बताइए आज आप लेट कैसे हो गए? दादा परी। परी वीर, हम वो तीन सर वाले दानव की कहानी सुन रहे थे ना? नहीं नहीं दादा, असली की परी। असली की परी? तुम राइटर बने जा रहे हो? अरे वाह, हमारा वीर राइटर बने जा रहा है, बहुत अच्छे। तो कहानी शुरू करें बच्चों। हाँ तो कहाँ थे हम? वहाँ जहाँ वो योद्धा तीन सर वाले दानव की गुफा के बाहर पहुंच गया। हाँ योद्धा सोच रहा था। योद्धा क्या सोच रहा था? कि ये बड़ी सी चट्टान को कैसे हटाया जाए, क्योंकि ये चट्टान गुफा का दरवाजा बंद करे हुई थी। अब अगर वो चट्टान को नहीं हटाएगा तो अंदर कैद राजकुमारी को कैसे छुड़ाए? परियों के संग आके दुनिया के रंग सारे जादू में घुल के है मुझसे मिले। जंगल पहाड़ों से कर गुफ्तगु थोड़ी, पर वाले घोड़े पे उड़ने चले। चंदा के चक्कर लगा करके खजानों को तू खोज ला। एक ख्वाब हर रंग का जाके सूरत से तू मांग ला।
वाला। एक राजा था रानी थी, एक कहानी में थी मस्तियां और थी ताजा हंसी। देखे थे संग हमने ऊंचे किले सारे और वादियां थी वो कितनी हंसी। ये दोस्ती की महक और ये किस्सों की जादूगरी है, इर्द गिर्द के ही चलती सारी ये दुनिया मेरी। मेरा नाम वीर है, मेरे दोस्त मुझे राजकुमार वीर बुलाते हैं। मैं सूखे ताल के पीछे वाले घर पे रहता हूँ। मेरे बेस्ट फ्रेंड दादा और पलटू में बस दो मिनट बात करना चाहता हूँ, चिल्लाना प्लीज। हाँ व्हाट? नहीं, आई एम वीर, आई एम फ्रेंड। यू नो इंग्लिश? या आफ्टर कमिंग हियर यू वर फर्स्ट पर्सन आई एम टॉकिंग टू। All thanks to Dada. He taught me English. Hey, you come to Dada to listen stories? Very nice. Magic, adventures, dragons, warriors like me, fairies like you. I'm not a fairy. I am a human and I don't like stories. Everyone likes stories. Come, let's play. Tomorrow we go to Dada. Okay. दादा, परी। हेलो, माय नेम इज माशा। हेलो माशा, आई एम शिखर सिंह, बट एवरीबॉडी हियर कॉल्स मी दादा विद लव। दादा दादा, इसे कहानियां नहीं पसंद। विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर यू फ्रॉम माशा? आई फ्रॉम कजान, रशिया। कजान, रशिया, ऑफ कोर्स। What a coincidence! I have been there. I will show you. Wait, बेटा, वो जो हमारा bookshelf है, वहाँ पर third shelf पर एक बड़ी सी album है फूलों वाली, दूसरी या तीसरी होगी। जाओ, जल्दी जाकर ले। I'll show you, Masha. Come, sit, sit, sit. So good to meet you. You know, I have been to Kazan. Actually, I'm a photographer, and I had come there on an assignment. And I really loved the place. But it was cold, really cold. Kazan was so cold. But the people there are so warm. There is this tower there, Sukhumbike. Sukhumbike, correct? Yes. Am I pronouncing it right? Sukhumbike. I have seen that tower. Here's the album. Dada, dada, aapne mujhe ye bataya hi nahi. Oho, shama kare Rajkumar Veer. Ab baith kar dekhte hain. These are the lovely photographs I took. इनका देश कितना खूबसूरत है बेटा। Are you missing home? Yeah. Oh. So, by telling you a story, I can cheer you up. Would you like to listen to one? Yes. Yes. Okay. So, the story is about this young boy who grew up to be a brave warrior. But I need you both to help me. Where do you think he was born? एक बड़े से महल में। Where do you think? Palace. Mahal and palace mean the same thing, but that is not true. वो एक किसान का बेटा था। He was the son of a humble farmer. He was born in a beautiful farmland. बारिश का कुछ अता पता ही नहीं है। बारिश नहीं होगी तो परेशानी तो आएगी ही। आगे क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। 2 साल से बिल्कुल बारिश नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। ऐसे कब तक चलेगा? वो तो है, पर देखो शायद इस साल बारिश हो जाए, वरना फसल तो बहुत नुकसान होगा। भगवान तो है ही। माशा, जानती हो, it has not rained since 2 years. My father says that will not be rain this year too. My father says
फुल विलेज है सुनील, एंटायर विलेज एम्प्टी। माशा, मैं बारिश ला सकता हूँ। व्हाट? वेट वेट वेट, यू रिमेम्बर द स्टोरी दादा टोल्ड अस अबाउट द वॉरियर? उस बच्चे के गांव के बाहर एक भयंकर राक्षस बसता था, और हर महीने उस राक्षस के पास गांव वालों को एक इंसान भेजना होता था बलि के रूप में। इस बच्चे ने तय किया कि वो इस राक्षस का खात्मा करेगा, मगर कैसे? इस सवाल का जवाब ढूंढने वो निकल पड़ा। वो कई जगह भटका, जंगलों में, पहाड़ों के ऊपर। वो थका मगर हार नहीं मानी, बस आगे बढ़ता गया, और आखिरकार उसे एक महान योगी मिले। वो लड़का उस योगी का शिष्य बना। एक बड़ी कठिन परीक्षा से गुजरकर कई साल वो सीखता रहा, बिना रुके बिना थके, अपनी जान दांव पर लगा। और जब वो पूरी तरह तैयार हुआ तो उस योगी ने उसे सौंपी अपनी तलवार, वो तलवार जो दुनिया में सबसे तेजस्वी तलवार थी। अब वो आम बच्चा नहीं था, वो था एक योद्धा। अब वो तैयार था उस राक्षस से लड़ने के लिए। What about the story? I think I can bring the reins. What? Yes. Dada gave me the sword as the yogi gave the boy. I think I can solve the problem. 3 सालों बाद जब वो अपने गांव वापस लौटा, तब तक तो कहानी पूरी बदल चुकी थी। गांव में महामारी फैल रही थी, जो एक एक करके गांव वालों की जान ले रही थी। वो राक्षस भी इस बीमारी के चलते 1 साल पहले खुद ही मर गया था। उस योद्धा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो इस योद्धा ने तय किया कि ऐसा है तो भगवान से मिलना ही होगा। बचपन से उसने सुना था कि सामने वाले ऊंचे पर्वत पर वही भगवान रहते हैं। योद्धा बस चल पड़ा। उसे ना रास्ता पता था, ना मंजिल कभी देखी थी, बस उसके पास था तो मन में विश्वास। I have decided, Masha. I will climb that hill to the point where the river originates. It might bring us rains. Are you crazy, Veer? Don't they teach you in school? Rains come because of water cycle. Not because of kids climbing hills. But I think God is there. And I must go there. And I will. Wait. I go with you. But I still think this is stupid. Okay. और उसके मन के विश्वास ने उसे मिलवाया एक परी से, जिसने उसे रास्ता दिखाया। तो उस परी की मदद से जब वो ऊपर पहुंचा तो ऊपर से आकाशवाणी हुई। वाकई में उसने भगवान से बात की। जो भी सोनी थी वो सारी कहानियां मुझ में असर लाती हैं। मंजिल तेरी मेरी इस सख्त रास्ते से ही तो नजर आती है। मुझ में जो जादू बसा उसको ढूंढू मैं अब हर जगह। करके दिखाना है वो जो ना है किसी ने किया। बस दिल की सुनता गया मैं तो आगे ही चलता गया। करके दिखाना है वो जो ना है किसी ने किया। भगवान, भगवान, गॉड, गॉड, Maybe we have to wait. Come. Thank you.
सिम्बा। और भगवान ने उससे जो कहा वो उसने कभी नहीं सोचा था। भगवान बोले कि उसके मन की ख्वाहिश जरूर पूरी होगी, मगर एक शर्त थी, उससे अगर अपने लोगों को बचाना था तो उसे अपनी सबसे प्यारी चीज त्यागनी होगी। और उस योद्धा के लिए सबसे प्यारी चीज थी उसकी तलवार। उसकी आंखें भर आईं, मगर उस योद्धा ने एक पल भी हिचकिचाहट ना दिखाई और अपनी तलवार बलिदान कर दी, और उसकी इच्छा पूरी हुई। उसके गांव में खुशियां फिर लौट आई। भाई बच्चों, कल मिलते हैं, कल आना जरूर। हाँ हे माशा, हाउ आर यू? कम सिट। दादा, व्हाट्स हैपनिंग टू वीर? ही इज सो सैड डे बाय डे। यू नो व्हाट माशा, मे बी माय स्टोरीज वर अ बिट टू रियल फॉर हिम। इज इट ओके टू बिलीव इन ऑल दिस? Masha, stories are all I know. Because I believe that stories give you hope, they give you courage, they give you dreams, they give you a vivid imagination. And most importantly, stories keep you happy. Happy in there. And that's most important. Will Veer be okay? Of course he will, my angel. Of course he will. You know why? Because Veer has always believed in the magic of the universe. His magic hasn't reached him yet. But if he continues to believe, then it's surely on its way. And I can see a little bit of it right here, my pari. Give me a hug. I'm missing being hugged. Oh, my angel. I love you, my princess. You go on and have a lovely day, okay? Bye. Veer, we need to go somewhere. मगर उस योद्धा ने एक पल भी हिचकिचाहट ना दिखाई और अपनी तलवार बलिदान कर दी। उस योद्धा ने अपनी तलवार उस परी को सौंप दी। परी ने उस तलवार को लिया, एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ परी तलवार लेकर ऊपर भगवान की ओर उड़ गई।
O brave warrior, may your wish be granted. माशांटी, उसके बाद क्या हुआ? और उस दिन बारिश हुई थी।